Hi everyone. In this video, I'm going to share with you Teaching Aptitude PYQ. It is the syllabus of UGC NET exam paper 1 general paper and NVS, Navodaya Vidyalaya Samiti. This is the question number 18. Which of the following is the key teaching behavior to make a teacher effective? कौन सा ऐसा teaching behavior है जिससे teachers को effective बनाया जा सके? चले देखते हैं. Teacher effective मतलब जब एक teacher classroom में class लेती है तो उस क्लास को इफेक्टिव मतलब अच्छे सेशन कैसे बना सकती है ना. सब टीचर पढ़ाता है लेकिन किसी टीचर्स के क्लास में आप देखते हैं बहुत सारे बच्चे अपने हल्ला कर रहे होते हैं, उसको डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, तो टीचर्स जो अपना परफॉर्मेंस है ना वो 100% नहीं दे पाती है. तो वो क्या इफेक्टिव टीचिंग होगा? बिल्कुल नहीं होगा, है ना. तो इफेक्टिव टीचिंग बनाने के लिए एक जो टीचर होता है उसको बहुत सारा एफर्ट करना पड़ता है, उसको अपना एफर्ट लगाना पड़ता है, अपना स्टाइल, टीचिंग स्टाइल को चेंज करना पड़ता है, मेथोडोलॉजी को चेंज करना, ताकि बच्चा टोटली उस सेशन को एंजॉय कर करके पढ़ाई करे और टोटली इंगेज रहे. एवरी स्टूडेंट्स आर इंगेज, सबके सब यहाँ पे इंगेज है, उसको बोलते हैं इफेक्टिव टीचिंग. चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या बोलते हैं. ऑप्शन है यूज ऑफ कंटेंट और प्रोसेस क्वेश्चंस बाय द टीचर. टीचर क्वेश्चंस के थ्रू पे हो सकता है कि आप सोच के देखिए कंटेंट या प्रोसेस क्वेश्चन जो भी आपने क्वेश्चन उसके थ्रू पे टीचर इफेक्टिव हो सकती है क्या? बिल्कुल गलत है. आप क्वेश्चन दोगे तो बच्चा तो ठीक है थोड़ा देर के लिए चुप रहेगा लेकिन वो तो इफेक्टिव नहीं हुआ ना. इफेक्टिव का मतलब एवरी स्टूडेंट्स आर एंगेजिंग इन द लर्निंग, सबके सब अपने लर्निंग में एंगेज हैं, कुछ सीख रहे हैं, सबको इंटरेस्ट जगा रहे हैं, उसको बोलते हैं इफेक्टिव. ऑप्शन बी यूजिंग स्टूडेंट्स आइडियाज एंड कंट्रीब्यूशन. आप स्टूडेंट्स का आइडियाज ले रहे हो, उसको कंट्रीब्यूट मतलब कंट्रीब्यूशन बोलने का मतलब है टीचर्स जो भी करा रही है उसमें एक स्टूडेंट्स का आइडियाज भी है और वो अपना एफर्ट लगा रहा है. तो वो अगर अपना एफर्ट लगा रहा है, स्टूडेंट एफर्ट लगा रहा है, तो फिर वो कैसे हो जाएगा टीचर इफेक्टिव? ये नहीं हो सकता है. ऑप्शन सी इंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन द लर्निंग प्रोसेस. यस, इंगेज रखना स्टूडेंट्स को थ्रू द लर्निंग प्रोसेस. जितना देरी टीचर्स उस क्लासरूम में है टोटली टाइम हर एक बच्चा उसमें इंगेज है लर्निंग प्रोसेस में, मतलब सब कोई सीख रहा है, उसको बोलते हैं टीचर इफेक्टिव. यस, ये इफेक्टिव टीचिंग का है. ऑप्शन सी एब्सोल्युटली ट्रू. ऑप्शन डी टीचर्स कमेंट्स मेड फॉर द पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अपकमिंग टीचिंग प्रोसेस. टीचर्स का जो कमेंट है वो ऐसा पर्पस है जो ऑर्गेनाइज का अपकमिंग टीचिंग प्रोसेस के लिए. नहीं, अपकमिंग टीचिंग प्रोसेस क्या है? जो भी आपका टीचिंग आएगा वो अपकमिंग जब आएगा मतलब आने वाला है, अपकमिंग मतलब आने वाला इन फ्यूचर, तो इन फ्यूचर में एक टीचर थोड़े उसके बेसिस पे थोड़े बोल सकता है टीचर इफेक्टिव है या नहीं है, है ना. सो इन दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि एक स्टूडेंट्स को सारे स्टूडेंट्स को इंगेज रखना वो भी लर्निंग प्रोसेस में, बदमाशी में नहीं लर्निंग प्रोसेस में, सब कोई सीख रहा होता है, तो वो होता है टीचर इफेक्टिवनेस, उसको बोलते हैं टीचिंग इफेक्टिविटी. ठीक है,